स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने शिमला शहर के प्रमुख अस्पतालों का दौरा किया और वहां जाकर विभिन्न वार्डों और मरीजों को दी जा रही सुविधाओं का निरीक्षण किया। मंत्री ने अस्पताल प्रशासन को सभी वार्डों, ओपीडी, शौचालयों और अस्पताल परिसर में उचित सफाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने कोविड-19 के दौरान सेवाएं दे रहे आउटसोर्स कर्मियों को जल्द वेतन देने की भी बात कही। हमारे मैं समझता हूँ इस देवभूमि में एक बहुत अच्छी चलन है, एक अच्छी भी मैं समझता हूँ एक रिवायत भी समझिए प्रथा भी है कि पेशेंट्स को हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सिंग स्टाफ बहुत इज्जत से और बहुत प्यार से देखते हैं, और फिर भी बहुत सी कमियाँ रह जाती हैं। वो कमियाँ और यहाँ के जो सॉर्ट ऑफ यहाँ की मतलब टोपोग्राफी है, यहाँ की ज्योग्राफी है, कुछ इसकी वजह से भी है, लोगों को दूर दूर से आना पड़ता है। हमारा प्रयास ये रहता है, अभी है भी, और मैं स्वयं भी अपने मनसुख मांडविया जी से दो बार मिल के आया हूँ कि हम कोशिश कर रहे हैं कि ये दबाव जो इन बड़े हॉस्पिटल पे है वो कम हो और हमारे जो पेरीफेरी पे मेडिकल सुविधाएँ वो ज़्यादा मजबूत हों। वहीं पर अगर हम कुछ कुछ ऐसी सुविधाएँ जो जिसके लिए उनको यहाँ आना पड़ता है और वो मुहैया हो जाएँ तो यहाँ पे आना का जो प्रेशर है वो कम होगा, और यही हम देखते रहते हैं, प्रयास भी कर रहे हैं कि हम जो बाहर के हॉस्पिटल हैं हमारे, जो जो बाहर के क्षेत्रों के दूरदर्शी क्षेत्रों के, उन पे सुविधाएं वहीं प्रदान की जाएं। और अब आजकल हमारी प्रौद्योगिकी भी है, कुछ एक ऐसी भी साधन हो रहे हैं जो कि डॉक्टर वहाँ होंगे तो अगर यहाँ से कुछ चीज़ उनको बताई जाएगी तो वो हैंडल कर लेंगे, और कहीं किसी और से भी ज़रूरत हो, अगर कोई विशेषज्ञ की जरूरत हो तो वो भी उनको प्राथमिकता के आधार पर दी जाए, इस ओर हमारा ज्यादा प्रयास रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।